So hey, what's up guys, welcome back to my channel Hyper Raja Gaming. Today we are playing again Mech Arena. And guys, आज का ये वीडियो कोई भी gameplay video नहीं होने वाला है. आज भाई मैंने finally अपना XP path जो है उसे complete कर लिया है. And आज की इस वाली वीडियो में भाई मैं आपको अपनी पूरी story बताने वाला हूँ Mech Arena की कैसे भाई मेरे को पता चला इस game के बारे में. And मैंने इसको भाई कब से खेलना start किया है. And कैसे मैंने ये सब जो है complete किया XP path. And साथ ही साथ guys ये video जो होने वाली हमारे चैनल की first story time video. And इस video में मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा मैक अरीना की. एंड गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो भाई वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखते रहना. सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स वॉच इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो. गाइज अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये मैक अरीना गेम मेरे को कैसे पता चला इस गेम के बारे में. सो देखो ये बात है भाई 2019 की अक्टूबर या नवंबर का मंथ था, ठीक है. तब मैं जस्ट एक फ्री फायर प्लेयर था, मतलब मैं सिर्फ फ्री फायर एक ही ऐसा गेम था जो खेलता था वो था फ्री फायर. एंड फ्री फायर में तब ना गाइज एक सिस्टम चलता था, उसमें आप वीडियो मतलब एड्स देख के ना डायमंड्स क्लेम कर सकते थे एड्स देख के. तो एड्स में ना गाइज मैक अरीना वालों का एड्स होता था, मतलब फ्री फायर जो था वो मैक अरीना वालों का ऐड करता था. ओके तो वो ऐड देख के मतलब मेरे को पता चला कि ये गेम है. लेकिन वो ऐड की ना गाइस क्वालिटी बहुत ही खराब रहती थी, मतलब ये गेम जितना अच्छा है उतना अच्छा मतलब वो ऐड नहीं रहता था. उस ऐड में मतलब सब कुछ नहीं बताया जाता था इस गेम के बारे में, बस थोड़ा बहुत दिखाया जाता था, जिससे भाई मेरे को ये गेम बकवास लगता था. ओके एंड भाई फिर एक दिन क्या हुआ ना गाइस, मेरे ब्रदर ने मतलब मेरा जो छोटा भाई है उसने भाई इस गेम को डाउनलोड किया. ओके उसने इस गेम को डाउनलोड किया तो मैंने कहा भाई ये क्या खेल रहा है, ये उतना खास गेम नहीं है. लेकिन गाइस जब मैंने भी इस गेम को देखा वो उसको खेलते हुए तो मेरे को भी भाई एकदम ओपी लगा ये गेम, सीरियसली बता रहा हूँ, वही ओपी लगा. एंड मज़े की बात तो ये थी गाइस, मेरे भाई ने जो मतलब अपनी आईडी बनाई थी मैक अरीना में फर्स्ट आईडी, वो आईडी भाई मेरे नाम से ही खोली थी. सीरियसली भाई वो आईडी मेरे नाम से ही खोली थी. एंड तब भाई मैंने भी उसके साथ साथ मैक अरीना खेलना जो है स्टार्ट कर दिया. एंड भाई मैक अरीना मतलब जो अपनी मेन आईडी ना उसमें मैंने 4-5 महीने खेले. ओके गाइस जो मेरी आईडी फर्स्ट आईडी थी, ओके 4-5 महीने खेला गाइस अच्छे से, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें अनलॉक की. एंड तब ना गाइस जो क्रिएट्स होते हैं ना जैसे गोल्डन क्रिएट एंड जितने भी क्रिएट्स होते हैं मैक अरीना में उसके अंदर से भाई वेपन्स खुलते थे एंड मैक्स अपने एक्सपी पाथ से खुलते थे. कुछ भी मतलब हमको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. तो ऐसे ही मैंने भाई बहुत सारे कॉमन वेपन्स खोल लिए थे एंड अनकॉमन और रेयर भी, लेकिन एक भी प्रोटोटाइप वेपन या मैक मेरा खुला नहीं था, ठीक है गाइस. एंड तब भाई मतलब हम दोनों मैंने क्या किया ना गाइस, मेरे घर पे 2-3 फ़ोन रहते थे, उन सब फ़ोन्स में मैंने मैक अरीना गेम को डाउनलोड कर लिया, ठीक है. मतलब उन सब फ़ोन्स में मैं खेलता रहता था. सो एक बार क्या हुआ ना गाइस, मेरे मॉम के मतलब मेरे मम्मी का जो फ़ोन है उसमें मैं मैक अरीना प्ले करता था, वही अपनी मेन आईडी थी फर्स्ट आईडी, ठीक है, जो मेरे नाम से था. तो क्या हुआ ना गाइस, एक बार उसका स्टोरेज मतलब फुल होने लगा तो मैंने क्या किया, जस्ट कुछ टाइम के लिए मैक अरीना को डिलीट कर दिया, ठीक है. सो डिलीट कर दिया एंड तब मेरे को भाई 4-5 महीने हो चुके थे मैक अरीना खेलते, तो मैंने उस डिलीट कर दिया मैक अरीना को उस फ़ोन से. फिर गाइस बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि यार जब मैंने फिर से रीडाउनलोड किया ना तो गाइस मेरे को मेरी आईडी मिल ही नहीं रही थी. मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि भाई मैं अपनी ओल्ड आईडी जो है कैसे वापस लूँ. तो मैंने एक न्यू आईडी क्रिएट किया, क्योंकि अब मैं हार तो नहीं मान सकता ना कि मेरी आईडी चली गई थी, ठीक है. जो आईडी मेरे पास अभी है ना गाइस वो आईडी एक बार डिलीट हो चुकी है एंड वो आईडी भाई मेरे को नहीं मिली. तो मैंने भाई डेंजरस नाम से एक आईडी खोला. ओके डेंजरस नाम से मैंने एक आईडी खोला एंड उस आईडी में मैंने भाई उसी आईडी के साथ मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला. तकरीबन भाई 3-4 महीने मैंने उस आईडी में खेले. ओके गाइस एंड उस आईडी में खेलते खेलते जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था ना उसके 10 या 12 दिन बाद मेरे को मतलब ऐसे दिमाग में एक आईडिया आया, क्यों ना मैं लॉगिन करके देखूँ, ठीक है, मतलब एक बार ट्राई करता उस आईडी को लाने का. तो गाइस मैंने अपना ओल्ड ईमेल और पासवर्ड मतलब थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करके उस आईडी को लाने की कोशिश की एंड गाइस लकीली मेरी आईडी जो है रिटर्न आ गई. सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को भी उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि उस दिन भाई मेरे को मेरी आईडी मिल गई थी रिटर्न. एंड तब जब भाई मेरे को वो आईडी मिल गई थी मतलब बहुत दिनों से बंद पड़ी थी ना, तो उसमें मतलब मेरे से हाई लेवल के बंदे आते थे. मतलब मैं भाई किल शॉट पैंथर ये सब यूज़ करता था, सामने वाले जो आते थे ना गाइस वो ब्रिक हाउस वाले प्लेयर आते थे, ठीक है. मेरे से हाई लेवल के बंदे आते थे इसलिए मैं ढंग से खेल नहीं पाता था, मतलब इजीली मारा जाता था सबके हाथों. बट फिर भी गाइस मैं खेलता रहा, ठीक है. बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड की मैंने एंड देन भाई क्या हुआ ना गाइस, एक अपडेट आया.
सीरियसली बता रहा हूँ भाई, वो अब तक का सबसे बकवास अपडेट लगता है मेरे को। एंड उस अपडेट ने भाई सारे चीज़ों को मतलब पहले जो चीज़ें भाई फ्री में मिलती थी उन सबको अब आपको बाय करना पड़ रहा है, समझ रहे हो? मतलब भाई कैसा फील होगा आपको, ठीक है? मतलब गाइस जितने भी चीज़ें वेपन्स हो, मैक्स हो, सब मतलब पैसे के हो गए, मतलब आपको उन सबको बाय करना पड़ेगा, जबकि वो सब पहले भाई फ्री में मिलते थे। एंड मेरा भी भाई उस टाइम बहुत सारे मैक्स मतलब अनलॉक होने वाले थे, लेकिन अब मेरे को पता चला कि वो सब भाई खरीदने पड़ेंगे, तो बुरा लगता है ना यार एक तरह से, ठीक है? तो मैंने सोचा भाई जाने दो। एंड तब मेरा भाई फेवरेट मैक था चीता, क्योंकि मैं केएसओ के वीडियोस देखता था जिसमें मतलब चीता का गेम प्ले, तब मतलब चीता का मतलब हमारे यहाँ मेरे भाई को एंड मेरे को चीता बहुत ही ओपी लगता था, एंड उसको हम लोग अनलॉक करने ही वाले थे। बट प्रॉब्लम क्या हो गई गाइस, चीता भाई मतलब पैसे का मिलने लगा, फ्री में मिलने वाली चीज़ भाई अब पैसों की मिलने लगी, तो आप लोग सोच ही सकते हो भाई क्या ही लगेगा। तो फिर भी भाई हमने गिव अप नहीं किया, हम मैं खेलता रहा अपनी आईडी में एंड वीडियोस भी डालता रहा। लेकिन गाइस मेरे यहाँ मतलब मेरे स्कूल में और मेरे यहाँ कोई भी मैक करना नहीं खेलता था, ठीक है? मतलब मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स लोग जो है वो मजाक उड़ाते थे जब भी मैं मैक करना का नाम बताया, सब फ्री फायर खेलते थे। तो मैं भाई अब क्या ही बोल सकता हूँ उन लोग को, फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ कि मैं करना खेल के देखो एक बार। तो इसलिए भाई मैं करना का मतलब बताना चाहता, कोई भी देखो नई चीज़ अनलॉक करते हैं तो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं ना, भाई देख मेरा ये खुल गया है, बट मैं किसी को बता नहीं सकता था, कोई खेलता ही नहीं था ना। तो इसीलिए मैंने भाई यूट्यूब चैनल खोला था ताकि मैं कुछ भी नई चीज़ अनलॉक करूं, तो वीडियो बना के भाई आप लोग को बता सकूं कि मैंने ये चीज़ अनलॉक की है, ठीक है? एंड देन गाइस एक और अपडेट आया, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, वो उससे भी बदतर अपडेट था। एंड उस अपडेट में यार जो चीज़ 2000 की मिलती थी, 3000 की मिलती थी, वो चीज़ अब हो चुकी थी 8,000 की एकॉइंस की मिलने लगी। मतलब इस अपडेट में भाई पर्टिकुलर अपडेट में क्या हुआ पता है, इस अपडेट में सब वेपन्स एंड मैक्स की प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है? मतलब सारे मैक्स एंड वेपन्स की जो प्राइस पहले थी उससे डबल ट्रिपल हो गई सच बताऊँ तो। एंड ये अपडेट भी वन ऑफ द भाई बकवास अपडेट था। एंड इस अपडेट के बाद गाइस हम दोनों भाई एक आईडी में खेलते थे ना, तो मेरे भाई ने भाई मैकाना खेलना छोड़ दिया, क्योंकि भाई देखो ऐसे अपडेट देंगे तो ऑब्वियसली भाई कोई भी नहीं खेलेगा। एंड मैंने भी तब भाई मैकाना खेलने छोड़ दिया था एक दो महीने के लिए, ठीक है? लेकिन फिर भाई मतलब देखो यूट्यूब चैनल भी था ना, तो बहुत लोगों ने मतलब कहा कि फिर से वीडियो डालो। अब मैं भाई मैकाना खेलता नहीं हूँ तो वीडियो कैसे डालूँ? तो इसलिए गाइस मैंने फिर से मैकाना को डाउनलोड किया, एक अपडेट आया मैकाना का जिसमें भाई TDM आ गया, मतलब टूर्नामेंट आ गया। तो उस टूर्नामेंट जब से गाइस टूर्नामेंट आया ना, तब से मैंने मैकाना खेलना फिर से स्टार्ट किया था जहाँ तक मेरे को याद है। एंड उस बीच भाई मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले एंड बहुत सारे मैक्स अनलॉक किए, ठीक है? बहुत सारे वेपन्स अनलॉक किए, बहुत सारे अपने मैक्स एंड वेपन्स को अपग्रेड भी किया, आप लोग को तो पता ही होगा। एंड आज भाई फाइनली मैंने अपना XP पार्ट जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। तो भाई बहुत ही मुश्किल सफ़र था ये, इतना भी आसान नहीं था। एंड अब भाई ये जो XP पाथ मैंने कंप्लीट किया है ना गाइज, आई थिंक भाई ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नहीं था, मेरी भाई एक ही आईडी थी एंड वही मैं खेल रहा था, ठीक है? एंड आज भाई मैं जिस आईडी में खेल रहा हूँ ना गाइज, वो अभी भी मेरी फर्स्ट आईडी ही है जो बीच में एक बार डिलीट हो गई थी, बट अब मेरे पास वो अवेलेबल है। एंड आज भाई फाइनली यार मैंने इसका XP पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस अभी जो ये XP पार्ट के रिवर्ड्स है ना, मैं इनको भी भाई क्लेम कर लेता हूँ। वैसे उतने कुछ खास रिवर्ड्स हैं नहीं, बट फिर भी यार क्या ही बोल सकता हूँ मैं। इसके जगह देखो मेरे को लगता है ना, इसके जगह यार 10,000 एक कॉइन दे देना चाहिए था प्लेरियम वालों को, बट वो उतने अच्छे हैं नहीं। बाय द वे गाइस यहाँ पे ये तीनों रिवर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, मैं इनको फटाफट से क्लेम कर लेता हूँ। सो ये अपना एमुचियल क्रिएट, एंड इसके अंदर भाई ऑब्वियसली कुछ नहीं, कुछ खास खुलेगा नहीं। एंड इधर 15,000 क्रेडिट्स मिल रहे हैं। एंड भाई लास्ट रिवर्ड है अपना एक और एमुचियल क्रिएट, ठीक है? सो इसको भी भाई हमने क्लेम कर लिया है। ओके सो गाइस यहाँ पे भाई ये सारे रिवर्ड्स जो है ख़त्म, मतलब XP पार्ट से अब अपना कोई लेना देना नहीं है। एंड भाई मैकाना भाई ख़त्म हो चुका है। अभी भाई मोस्ट ऑफ बंदे को लगेगा कि मैं मैकाना खेलना छोड़ रहा हूँ, अरे ऐसी बात नहीं है यार, मैं करना भाई अभी भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। देखो मैंने अभी तक बहुत सारे मतलब वेपन्स एंड मैक्स को अनलॉक नहीं किया है, तो भाई उन सबको बिना अनलॉक किए बिना भाई कैसे यार, कैसे इतने जल्दी ये गेम ख़त्म हो सकता है? बस XP पात ख़त्म हुआ है गाइज, गेम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी भाई बहुत कुछ बचा हुआ है। एंड गाइज अगर भाई मैंने उस टाइम पे गिव अप कर दिया होता जब मेरी आईडी चली गई थी, तो आज मैं इस गेम को ख़त्म नहीं कर पाता, मतलब अपना XP पात जो है उसे कंप्लीट नहीं कर पाता, इतने सारे भाई वेपन्स एंड मैक्स अनलॉक नहीं कर पाता। एंड साथ ही साथ भाई आप लोग का सपोर्ट
सपोर्ट भी नहीं मिलता अगर मैं अब उस टाइम पे गिव अप कर देता तो। एंड गाइज एक बात तो भाई मेरे को माननी पड़ेगी, देखो उस दिन अगर मेरे छोटे भाई ने ये गेम डाउनलोड नहीं किया होता ना तो ना ही आज मैं भाई एक मैक अरेना का प्लेयर होता, ना ही आज मैं एक भाई मैक अरेना का यूट्यूबर होता। तो भाई उसी को थैंक्स यार, उसने उस दिन मेरे को इस गेम के बारे में बताया। बाय द वे गाइस मेरी स्टोरी से आई होप भाई आपको थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, आई होप भाई आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक के मैं ओनली 110 लाइक्स, आई होप आप लाइक करके गेम कंप्लीट करा दोगे। एंड अपने फ्रेंड्स को इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर से शेयर करना एंड कॉमेंट बताना भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो भाई चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी भाई ऑल पे सेट कर लेना। सो गाइस आज की सोल वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।